नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके आइकॉनिक यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो ये हमारी जो व्याकरण की टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चल रही है, इससे पहले 13 पोस्ट की जा चुकी हैं। सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे MP का हो, चाहे UP का हो, चाहे दिल्ली का हो, सभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर जो व्याकरण है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? विपिन, बापू, रशिम या विकट? तो अरण्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा विपिन। अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? विपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप शब्द सर्वनाम है। आप शब्द सर्वनाम है। आपको पता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिनमें से 4 तो यही हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो इसने पूछा है आप सर्वनाम का कौन सा शब्द है? आप सर्वनाम का निजवाचक है। निजवाचक अपने लिए, स्वयं के लिए यूज होता है। आप स्वयं जब भी ये शब्द आते हैं तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चराचर संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? चराचर संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? ए, बी और सी, डी में से आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चर घन अचर। चर घन अचर इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, चर घन अचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम ओजस्वी, परम ओजस्वी का संधि विच्छेद क्या है? ए, परमो घन ओजस्वी, परमा घन ओजस्वी, परम घन ओजस्वी या परघन ओजस्वी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परम घन ओजस्वी। परम ओजस्वी का क्या हो जाएगा? परम घन ओजस्वी। तो ये कौन सी संधि है? ये है वृद्धि संधि। ध्यान रखना कौन सी संधि है, ये वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण में कौन सी संधि है? यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि? तो अन्वेषण में कौन सी, अन्वेषण में कौन सी संधि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पांचवे का ए, ये हो जाएगा यण संधि। अन्वेषण में कौन सी संधि है? यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजानन, गजानन कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास? तो गजानन है बहुव्रीहि समास है। कौन सा है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की क्या पहचान है? जिसका पहला पद और द्वितीय पद पर वो ना हो के कौन सा पद होता है? द्वितीय पद निकलता है। जैसे गजानन को क्या बोलते हैं हम? हाथी। तो गजानन तो बहुव्रीहि समास की ही पहचान है, जिसमें द्वितीय पद का सही उत्तर निकलता है, वो है बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञशाला, यज्ञशाला में कौन सा समास है? जब भी किसी शब्द के पीछे शाला आ जाए, पाठशाला, यज्ञशाला, तो वो हमेशा कौन सा समास होता है? आपका तत्पुरुष समास। यज्ञ के लिए शाला, पाठ के लिए शाला, तो ध्यान रखना है यज्ञशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात दिन, रात दिन कौन सा समास है? द्वंद समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास? तो रात दिन कौन सा समास है? द्वंद समास है। जब भी देर रात और दिन, पूर्व पद का भी अपना मीनिंग है और द्वितीय पद का भी अपना अलग मीनिंग है, तो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, जैसे माता पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिश्री, इतिश्री मुहावरे का सही अर्थ क्या है? शुरू होना, समाप्त होना, तैयार होना, अटल रहना। तो इतिश्री मुहावरे का इतिश्री करना है किसी काम का समाप्त करना, समाप्त करना इतिश्री करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना, प्रशंसा करना, झगड़ा करना, भला बुरा कहना। तो दसवें का क्या हो जाएगा? खुशामद करना किसी की तलवे चाटना। खुशामद करना मतलब तलवे चाटना, तलवे चाटना मतलब किसी की खुशामद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोल पीटना, ढोल पीटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बहुत लाभ होना, जोर से कहना, भाग्य पलटना, इधर उधर भटकना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोर से कहना। ढोल पीटने का मतलब है जोर से कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्र पाणि, चक्र पाणि का कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद समास, द्विगु समास या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चक्र पाणि किसको कहा जाता है? विष्णु जी को कहा जाता है। जिसका तीसरा पद का सही अर्थ निकले तो वो कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। कमल नयन, कमल नयन, कमल नयन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय या द्विगु समास? तो कमल नयन, उसके जो नयन है वो कैसे है? कमल के समान है। जब किसी की तुलना किसी चीज़ से की जाती है तो उसमें हमेशा कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। नयन उसके कैसे? कमल जैसे। जैसे जो है काली मिर्च, मिर्च कैसी है? काली है। तो जो किसी की विशेषता बताता है या किसी की तुलना करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रेम निमग्न समास का उदाहरण है तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय। प्रेम में निमग्न होना मतलब तत्पुरुष समास, जिसमें कारक विभक्ति का लोप होता है वो तत्पुरुष समास की पहचान है। तत्पुरुष समास की क्या पहचान है? जिसमें कारक जो है लोप होते हैं, जैसे कर्ता ने, ये ने, कर्म को, ये सारे जो कारक होते हैं इनका लोप होता है वो है तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे भी आया था रसोई घर, रसोई के लिए घर। अभी आया था पाठशाला, पाठ के लिए शाला। गौशाला, गो के की शाला। तो ये का के की छुपी होते ही तत्पुरुष समास की पहचान है, इसमें कारक का लोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ संधि विच्छेद क्या होगा? जगतनाथ, जगतनाथ, जगनाथ या जग अनाथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जगतनाथ। क्या सही जवाब हो जाएगा? बी, जगतनाथ। ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? ये व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीश, जगदीश में कौन सी है? जगत ईश, जगत घन ईश, जग घन ईश, जग घन ईश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जगत ईश। ये भी कौन सी संधि का उदाहरण है? ये भी व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र का संधि विच्छेद है। पवित्र का संधि विच्छेद क्या है? पल इत्र, पो इत्र, पै इत्र या पवि इत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पो घन इत्र। तो ये कौन सी संधि है? ये है अयादि संधि। कौन सी है? अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्छ्वास, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? उच्छ्वास, उच्छ घन श्वास, उच्च व घन वास, उच्छ्वास घन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का उत्घन श्वास। क्या हो जाएगा? उत्घन श्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाग्मय, वाग्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम बहुत पूछा जाता है, एग्जाम हर एग्जाम में पूछा जाता है। वाग्मय, वाग्मय, वाग्घनमय, वाग्मय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाग्मय। ध्यान रखना क्या आ जाएगा? वाक्मय। ये आपको इजीली आ जाएंगे जब आप डेली किसी चीज़ को डेली डेली रूटीन में प्रैक्टिस करेंगे। आप प्रैक्टिस सेट ही कर लें अच्छे से एग्जाम के, तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? परमोत्कर्ष, अपकर्ष, विकर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपकर्ष। क्या हो जाएगा? अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नयन संधि का संधि विच्छेद है। नयन, ने घन अन, नय घन अन, ने घन अन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21वें का क्या हो जाएगा? बी। 21वें का क्या हो जाएगा? बी, ने घन अन। ये भी कौन सी संधि है? अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुमारी, बेटा, पोता या बेटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर का पर्यायवाची शब्द है पाषाण, ठेला, चिक्का या कंकड़। तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पाषाण। पाषाण के लिए क्या जाता है? पत्थर को भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विपरीत मतलब उल्टा, पुरुष, व्यक्ति, धनी या नारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नारी। नर का विपरीत उल्टा क्या हो जाएगा? नारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, स्त्री विहीन, पत्री विहीन, विधुर या नारी विहीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25वें का सी, जिसकी पुरुष की स्त्री मर गई हो वो होते हैं विधुर, और स्त्री जिसका पति मर गया उसको बोलते हैं विधवा। ठीक है, जिसका पति मर गया वो विधवा और जिसकी स्त्री मर गई वो विधुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान देना मुहावरे का अर्थ है सावधान होना, प्रतीक्षा करना, ध्यान देना या बहकाना। कान देना मतलब किसी चीज़ को ध्यान से सुनना, मतलब उस पर ध्यान देना। कान देना मतलब ध्यान देना। हृदय का विशेषण है हृदय, हार्दिक, हृदय या इनमें से कोई नहीं। हृदय का विशेषण क्या होगा? जाएगा पी, हार्दिक। क्या हो जाएगा? हार्दिक। महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा? महाघन आशय, महाघन शय, महाघन आशय, महाघन ओवर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का महाघन आशय। क्या हो जाएगा? महाघन आशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैठक में प्रत कौन सा प्रत्यय है? अक का, अक या उक। बैठक, बैठ जमा अक। तो इसमें सही प्रत्यय क्या हो जाएगा? अक। बैठ का सही
प्रत्यय होगा अक। प्रत्यय हमेशा जो शब्दांश है उसके पीछे लगे होते हैं, तो पीछे लगा है अक। नेक्स्ट लंबोदर। लंबोदर कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययभाव, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। लंबा है उदर जिसका, इसका प्रथम वच प्रधान न होगा, द्वितीय पद प्रधान न होगा, तृतीय पद प्रधान होता है तो उसका सही जवाब होगा बहुव्रीहि। लंबोदर किसको कहा जाता है? गणेश जी को। ठीक है, लंबा है जिसका उदर, ठीक है, क्या हो जाएगा? लंबा है जिसका उदर क्या है? बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास गणेश जी को बोला जाता है। तो ये 30 क्वेश्चन व्याकरण के, आशा करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। क्लास को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे और भी बच्चे इस वीडियो को देख सकें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वो तैयारी कर सकें। धन्यवाद।